Hello my dear students, welcome you all in Sanskaram video lecture. Today I am here to discuss about states of matter and matter. So let's start. Matter. What is matter? Matter is that everything which has mass or weight. Matter हर वो चीज़ है जिसका अपना mass होता है या फिर weight होता है and that has occupy वॉल्यूम और स्पेस. मैटर हर वो चीज़ है जिसमें मास होगा और जो जगह घेरेगी. नाउ मैटर हैज़ थ्री स्टेट्स. लेट्स डिस्कस अबाउट दीज थ्री स्टेट्स. फर्स्ट इज सॉलिड ठोस, सेकंड इज लिक्विड द्रव एंड थर्ड इज गैस. सो let's discuss about the property of solid, liquid and gas. First of all, solid have fixed volume and fixed mass. solid ka volume aur mass fix hota hai. some solids have not fixed volume or the shape. they are called malleable solids. उनकी शेप को हम फोर्स की हेल्प से चेंज कर सकते हैं. लाइक दिस इज मेलिएबल सॉलिड विच क्ले मिक्स्ड विद वाटर. नाउ नेक्स्ट लिक्विड. प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है जबकि मास वेरिएबल होता है. लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है. सो इट्स वॉल्यूम इज वेरिएबल, इट्स शेप इज वेरिएबल. अगर जग में डालेंगे तो जग की शेप लेगा, ग्लास में डाला था तो ग्लास की शेप ली थी. नाउ गैस. गैस हैज वेरिएबल मास एंड वेरिएबल वॉल्यूम. इट्स मीन्स गैस डू नॉट हैव फिक्स मास, डू नॉट हैव फिक्स शेप और वॉल्यूम. गैस ऑक्यूपाइज होल स्पेस ऑफ द कंटेनर. गैस कंटेनर के पूरे स्पेस को घेर लेती है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेजेस और चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. देर आर थ्री स्टेट वी हैव डिस्कस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इफ वी आर heating a liquid, then it will get converted into vapors or converted into gas. अगर हम एक लिक्विड को, एक द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है. लाइक हीटिंग ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इंटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग. एंड रिवर्स ऑफ दिस, इफ वी आर cooling a liquid, then it will get converted into solid. This is solidification. If a solid matter is heated, then it will get converted into liquid. जैसे कि ये आइस को जब गर्म किया तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई. इसी तरह मैटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है. अब जब वापस उस लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो सॉलिड में चेंज हो जाता है. ये कहलाता है सोलिडिफिकेशन. एंड वैन एंड लिक्विड इज फ्रीज, जब एक लिक्विड को फ्रीज किया जाता है, ठंडा किया जाता है, उसका टेम्परेचर डाउन किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में. जैसे कि पानी को फ्रीज में रखा तो यह आइस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड इंटू सॉलिड. एंड वैन ए लिक्विड इज हीटेड देन इट गेट इवेपोरेटेड, जब लिक्विड को गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा तो वेपर्स में कन्वर्ट होगा विच इज गैस. लाइक दिस water is boiling, water is heated, when water is being heated it get converted into gas, water vapors. jab water ko pani ko heat kiya gaya to liquid se gas mein convert hua. so this process is called evaporation. and when gas is cooled down then it will start changing into liquid and this process is called condensation. You have seen some water droplets on your bathroom mirror when you are taking bath with warm water. So why this happens? This happens due to water vapors get condensed on that mirror.
if we are putting something, a lid on boiling water, then you will see these droplets. This process is also called condensation. ये भी बेटे condensation कहलाती है. Let's discuss about water cycle. What does water cycle mean? Water cycle means when water get converted into one state to another and so on. Get converted into primary state. First of all, water will get evaporated due to sun heat, and after that it will get condensed and get back on earth in form of rain. It is called precipitation. So let's start. Here, when water in water bodies like rivers, ponds, sea, ocean, etc. Came into the contact of sun heat, it get evaporated. जब पानी water bodies का पानी सूर्य की रोशनी के सूर्य की हीट के कॉन्टैक्ट में आता है तो evaporation स्टार्ट हो जाती है उसमें, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्टेड हो जाता है और इट गेट लिफ्टेड अप हायर एंड हायर एंड हायर. यह वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, ऊपर की तरफ जाता है भाई. ठीक है, ऊपर जाके क्या होता है, ऊपर जाने के बाद जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, इट गेट स्टार्टेड कंडेंस. वाटर कम टेम्परेचर में जाके कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है. मीन्स वापस जो वाटर वेपर्स थे वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आने स्टार्ट हो जाते हैं इन वाटर फॉर्म. ओके, लाइक इन दिस सिचुएशन क्लाउड फॉर्मेशन इज अकर. इस सिचुएशन में बेटे क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनना स्टार्ट होते हैं. एंड व्हेन दे गेट फॉर्म्ड, आफ्टर दैट दे come back to earth in form of rain. This is called precipitation. And in trees, water is sucked or get from the roots, and this water from root to stem to leaves. Trees के द्वारा पानी खींचा जाता है नीचे से, जो कि stem से होते हुए पत्तियों में जाता है, और पत्तियों से लीव्स से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ऊपर वाटर वेपर्स की फॉर्म में चला जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. देर आर टू वर्ड्स. फर्स्ट इज इवेपोरेशन, व्हेन वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स डायरेक्टली फ्रॉम वाटर बॉडीज, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. एंड सेकेंड वर्ड इज ट्रांसपिरेशन, व्हेन द वाटर consumed by the plants and get evaporated from the leaves of that plant is called transpiration. Now next, when after condensation water get converted into cloud, and when cloud is not able to hold the much water, then water comes back in form of rain to the earth. जब cloud में इतनी capacity नहीं होती कि वो ज़्यादा पानी को रख सकें, तो वो rain की form में वापस ज़मीन पे आ जाते हैं, और इसको बोलते हैं precipitation. या तो वो rain की form में आएंगे, या snow की form में, या फिर hail की form में, किसी भी form में जब पानी ऊपर से condense होके cloud से earth पे गिरता है, तो उसे बोलते हैं precipitation. That is called precipitation. Here let's once again revise this. When water get evaporated, it go upside in form of water vapors, get condensed, and that after that it's come to earth in form of rain. Now let's discuss about the states of water, different states of water. Water does not have any fixed shape. Water की अपनी कोई भी fixed shape नहीं होती. जिस भी आप container में water को डालते हैं, उसी container का
उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। जैसे पैन में डाला तो पैन की शेप ले लेगा, ग्लास में डाला ग्लास की शेप लेगा, जग में डाला तो जग की शेप लेगा। ओके, इफ वी पुट वाटर इन फ्रिज और लो इट्स टेम्परेचर देन वाटर गेट कन्वर्टेड इन टू सॉलिड, दिस इज आइस। जब पानी को फ्रीज किया जाता है, पानी को ठंडा किया जाता है तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सॉलिड होती है। एंड व्हेन आइस गेट हीटेड, जब आइस को हीट किया जाता है तो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको फर्दर बॉइल करने पे वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। दीज आर द थ्री स्टेट ऑफ वाटर कन्वर्टिंग लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड और गैस, एंड वी कैन से दैट इट इज वाटर साइकिल। वाटर मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को जब हीट किया जाता है तो वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जब लिक्विड को हीट करेंगे, बॉइल करेंगे, तो वो गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सो वी कैन से दैट इट इज ए नॉर्मल वाटर साइकिल। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी यूज वाटर फॉर बाथिंग, फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, फॉर ड्रिंकिंग। सो वी हैव टू कंजर्व वाटर, वी हैव टू कीप वाटर क्लीन, वी शुड नॉट पोल्यूट इट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज वंस अगेन व्हाट वी हैव discussed in this video. We have discussed about the matter and its state, and about the water cycle and the water state. So let's revise once again the states of matter. Matter is found in three states, solid, liquid and gas. Matter jo hai wo teen state mein paya jata, solid, liquid aur gas. In solid state particles are closely and well arranged. पार्टिकल सॉलिड स्टेट में पार्टिकल कंजस्टेड फिक्स रहते हैं एक दूसरे में, एंड इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स आर पैक्ड लूजली, दे कैन मूव हियर एंड देयर लाइक दिस। एंड इन गैस स्टेट पार्टिकल आर पैक्ड वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे कैन मूव लाइक ए क्रेजी मैन, वो इधर उधर घूम रहे हैं। So these are three states, solid, liquid and gas. When they are get heated या फिर when they get cooled, जब solid को heat किया जाता है तो किस में convert होता है, liquid में, और इसको कहते हैं fusion या फिर melting। जब liquid को heat किया जाता है तो convert होता है gas में, इस process को बोलते हैं vaporization। और इसका उल्टा reverse, जब इनको ठंडा किया जाता है, जब गैस को कूल किया जाता है तो वो कन्वर्ट होती है लिक्विड में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब लिक्विड को कूल किया जाता है तो वो कन्वर्ट होता है सॉलिड में, और इसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। दीज आर दी फोर प्रोसेस विच आर इन केस ऑफ मैटर। दिस इज फ्यूजन व्हेन और मेल्टिंग, व्हेन ए मैटर इज हीटेड देन इट्स पार्टिकल गेट स्कैटर्ड, एंड दिस इज वेपोराइजेशन, व्हेन वी हीट ए लिक्विड देन देयर पार्टिकल्स गेट मोर अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड दिस इज कंडेंसेशन, जब उसे बेटे ठंडा किया जाता है, जब कंडेंस होता है वो, तो वो पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं एक दूसरे के, इससे वो क्लोजली हो जाते हैं, क्लोजली पैक हो जाते हैं। और दिस इज सॉलिडिफिकेशन, जब उनको और ठंडा किया जाता है लिक्विड को, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और पार्टिकल्स वेल अरेंज्ड हो जाते हैं। सो जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं फ्यूजन, और जब लिक्विड को गर्म किया जाता है वो गैस में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। और इसका उल्टा, जब गैस को ठंडा किया जाता है, जब गैस को ठंडा किया जाएगा, फ्रीज किया जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एंड व्हेन लिक्विड इज फर्दर फ्रीज्ड और फर्दर कूल डाउन, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, इट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, टुडे
we have discussed about the matter and its state and water and its state and water cycle. आज हमने इस वीडियो में सीखा है कि मैटर क्या होता है, मैटर की स्टेट्स क्या क्या होते हैं, पानी की स्टेट्स क्या क्या होती हैं और पानी का साइकिल क्या होता है, वो कैसे कन्वर्ट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. सो एनफ फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद ए न्यू टॉपिक. टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग. थैंक यू.